तो हेलो एवरीवन माय नेम इज एंड यू आर वाचिंग बेलिक रोबोटिक्स सो भाई आज की वीडियो में हम अपना कोडिंग पार्ट मतलब प्रोजेक्ट पार्ट शुरू कर रहे हैं तो ये सबसे बेसिक प्रोजेक्ट है हमारा ठीक है इसमें हम फेस एंड आई डिटेक्शन बनाएंगे डिटेक्शन बना रहे रिकोगनाइजेशन नहीं बना रहे रिकोगनाइजेशन हम रिकोगनाइज कर रहे है, कि मेरा चेहरा है किसी और का है डिटेक्शन डिटेक्ट करते हैं चेहरा है भी ठीक है और ये बनाने के लिए तुम मतलब मेरी पहली दूसरी तीसरी वीडियो देख लो बहुत है यू you नो know, मेरी जो तो सीरीज है ओपन सीबी की उसकी पहली वीडियो ये क्या बोलते हैं बेसिक ऑपरेशन सिखाया मैंने दूसरे में तुम्हें सेगमेंटेशन सिखाया तीसरे में मैंने हार क्लासीफायर बताया एटी नॉट एक के तुम ये वाला तो आराम से आ जाता है ठीक है अगर तुम्हें पहले से तुमने कुछ कर रखा है तो और बढ़िया भाई ठीक है तुम्हारा टाइम ही बचेगा तो चलो शुरू करते हैं ये वीडियो ठीक है इसमें कोई थ्योरी तो है नहीं तुम्हें पता है क्या करना है तो सीधे कोडिंग पार्ट पे जम्प करते हम सबसे पहले तो तुम भाई गूगल जाओ और एनआकोर्डर डाउनलोड कर लो अब कहोगे भाई एनाकॉन्डा क्यों डाउनलोड करे तो भाई ना ये वर्चुअल एनवायरमेंट बना के रहता है अब तुम कहोगे ये क्या होता है अगर तुम्हें लिनक्स चलाते हो तो तुम्हें पता क्या होता है वरना भाई ये करो ये मतलब फास्ट है और अच्छा है ठीक है ऊपर से एनोकॉन्टर तुम्हें बहुत सारी चीजें मतलब मैं तुम्हें खोल के देखा हूँ देखो ये नेविगेटर है बहुत सारी कोडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है और बहुत सारी लाइब्रेरी में प्री बिल्ड भी है मतलब इंस्टॉल्ड है

और शुरू करते सीधे कोडिंग से ठीक है बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहले हम यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे यहां से फाइल बनते नाम डालेंगे फेस एंड आई डिटेक्शन यहाँ से डॉट पी लगा देना वरना पाइथन फाइल नहीं बनेगी ठीक है उसके बाद सबसे पहले क्या करें? इंपोर्ट. इंपोर्ट करेंगे? इंपोर्ट इम्पोर्ट करेगे सीबी टू को ठीक है इम्पोर्ट करेंगे सीवी टू को उसके बाद क्या करेंगे हम उसके बाद हम लोड करेंगे अपने क्लासिफायर्स को देखो फेस कास्केट और आई कास्केट वेरिएबल बनाएंगे ठीक है फिर सीवी टू डॉट कास्केट क्लासीफायर दोनों में मतलब लगा के फंक्शन लगा के ये डेटा सेट है सीवी टू का डेटा सेट इसके अंदर से प्लस लगा के हमें लिखना है कौन सा चाहिए इसमें हम फ्रंटल फेस लेंगे इसमें आई ले दोनों एक्सएम्बल फाइल होती है ठीक है ये क्लासिफायर बना रखा है तुम्हें तो बनाने की जरूरत नहीं है ठीक है और कैसे बनाते ये हम डीप की वीडियो में देखेंगे ओके तो इसके बाद हम अपने कैमरा को ऑन करेंगे कि कैमरा हमारा रिकॉर्ड करना शुरू करे अब रिकॉर्ड करना शुरू कर चुका है उसको कैप्चर भी करना तो करना पड़ता है ठीक है तो एक हम वाइल्ड लूप लगाएंगे कि वाइल्ड ट्रू जब तक चल रहा है प्रोग्राम हमारा तो ये पहले लेगा रेड रेड और फ्रेम फिर कैप डॉट रीट फंक्शन लगा कैप रीट फंक्शन दो चीजें रिटर्न करता है एक एक फ्रेम फ्रेम तुम्हें हर एक फ्रेम हर सेकंड होता है ना एक फ्रेम दो फ्रेम तो हर फ्रेम को तुम्हारा बना के देगा और रेड तुम्हें बताता है कि फ्रेम लिया भी है या स्किप हो गया है ठीक है अब हमारा फेवरेट काम है हम काला दो इसे मतलब जो फ्रेम लिया है उसको काला दो ठीक है <coughs> थोड़ा सा गला ऐसे ही मेरा तो आवाज़ को ज़्यादा वो मत करते हुए अब हम करेंगे डिटेक्ट फेस को फेस डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करेंगे ये फेस का फेस इक्वल टू तो फेस कास्केट फेस कास्केट में हमने ये वाला ले रखा है फ्रंटल फेस ठीक है डॉट डिटेक्ट मल्टी स्केल फंक्शन लगाएंगे जिसमें हम पहले ग्रे डालेंगे फिर स्केल फैक्टर नेबर और मिनिमम साइज कितना साइज़ होना चाहिए उल्टा बोल रहा हूँ मतलब अगर बिल्कुल पीछे चले जाओगे कैमरे में इटू से दिख रहे हो तो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा ये साइज है थर्टी बाय थर्टी पिक्सल का मैं कभी -कभी उल्टा को कह देता रहा हूँ सॉरी रात हो रही है इसके बाद हम faces, जो face है ना वो उसको x, y, wh में खोल सकते हैं जो तुम्हारा है 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 ये ये देता 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 का तो हम सीवी टू डॉट रेक्टेंगल से प्लॉट करेंगे पहला हम फ्रेम मतलब क्या प्लॉट करना इमेज उसके अंदर क्या एक्स वाई एक्स स्टार्ट होके वाई जाएगा x से w तक जाएगा y से h तक जाएगा ठीक है मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ये है फ्रेम की और एंडिंग है कि मतलब x में विड्थ होती है ना इधर जा रहे विड्थ इधर जा रहे हाइट तो y में h h डाल लिया ये एंडिंग पॉइंट है कलर ले लिया हमने नीला और थिकनेस ले ली डोक फिर रीजन ऑफ इंटरेस्ट लाए एक ग्रे एक कलर ठीक है ग्रे ग्रे यहाँ पे लिखे तो ग्रे रिटर्न करेगा फ्रेम आ जाएगा फ्रेम तो वाई से वाई से स्टार्ट होके वाई तक ठीक है प्लस एच वाई से स्टार्ट होके वाई प्लस एच तक मतलब यहाँ वाई है तो वाई प्लस एच तक जाएगा ऐसे ही एक्स का रीजन ऑफ इंटरेस्ट है एक्स से स्टार्ट होके एक्स प्लस डब्ल्यू तक हमने रीजन ऑफ इंटरेस्ट ले लिया ठीक है उसके बाद सेम चीज हम करेंगे आंखों के साथ ठीक है देखो आइस लिया हमने आ, कास्केट आइस का ले लिया और इसमें अंदर क्या डालना है कुछ नहीं डालना ठीक है सब कुछ इसमें डाल चुके हैं तो उस रीजन के अंदर तो वो रीजन क्या है ये जो नीला स्क्वायर है ओके okay, सॉरी वो थोड़ी आवाज कट गई थी मेरी तो हाँ आ, सेम करेंगे हम आइस के साथ ठीक है ही खोलेंगे एक्स वाई वेट हाइट ई ई लगाया मतलब आईज के लिए लिखा है ठीक है सेम चीज करेंगे पर इसको हम हरे में करेंगे फिर हम बस आई एम सो फंक्शन लगाएंगे कि अब दिखा जो हमने क्या है गलत क्रिटी उसको दिखाओ फिर हम एक फंक्शन और लगाएंगे वो क्या है वेट की मतलब कि ए ये वन डाल के इसको छोड़ोगे तो ये रुक कर रहेगा मतलब एक सेकंड बाद चेंज होगा एक एक सेकंड के रूप में वन मिली सेकेंड मतलब फास्ट फास्ट बिल्कुल जो जिस जैसे तुम्हारी वीडियो कैप्चर हो रही है ना उसी स्पीड में ये बंद होता रहेगा मतलब ये बंद बनो नहीं आएगा पर अगर हमें ये टर्मिनेट करना है तो ये ऐसे तो, तो, क्यू मतलब क्यू प्रेस करते ही ना टर्मिनेट हो जाएगा हमारा लूप फिर लास्ट में अच्छे बच्चों की तरह हमारे क्या काम करना है अगर ब्रेक हो गया तो कैमरा को रिलीज करो और फिर डिस्ट्रॉय कर दो विंडो चलो भाई ये बन गया अब इसको ट्राई करेंगे सबसे पहले मैं अपने वीडियो यहाँ से ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि अगर वीडियो ऑफ नहीं करूँगा तो मैं ये ये मेरा कोड रन नहीं होगा फिर कहोगे तो मैं दिक्कत है ठीक है भाई देखो गायब हो गया मैं चलो हम्म देख लो ये एक एक्स्ट्रा आ रहा है हेडफोन लगा रखे थोड़ा सा कलर रुको यार एक तो कैमरा दे दो तो कोई मुझे गिफ्ट है ना हाँ हेलो इ, देख रहा हूँ मैं बड़े दिख रहा हूँ आवाज नहीं रही मेरी तो चलो लेट्स स्टार्ट क्यू डबाते हैं क्यू डबा दिया देखो क्यू डबा के तो भाई देखो बस यही था आज की वीडियो में रुको पहले मेरी शक्ल को देख लो हाँ तो बनाओ इसे गिटअप में डालो और जो करने करो इसके साथ तो मुझे फर्क नहीं पड़ता सब्सक्राइब दबा देना ठीक है सब्सक्राइब ना, और सब्सक्राइब दबाने के बाद क्या बोलते हैं अपने दोस्तों में भी ठीक सब्सक्राइब है सब्सक्राइबर करा करो जल्दी से अपने भाई के ठीक है अभी सर्च मार्टो में चैनल नहीं आ रहा चैनल आना चाहिए भाई मुझे नहीं पता ठीक है तो आज की वीडियो इतनी रखते हैं आगे और भी वीडियो डालता रहूंगा तो तब तक के लिए सब पक है